वालेकुम, कैसे हैं सर? इस वीडियो को देखने वालों को ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं था छत पे, मैंने कहा छोटा सा व्लॉग बनाया जाए। घर में ना बंदे मेहमान वगैरह आ रहे हैं, ईद का तीसरा दिन है ना, ईद का सीज़न है, मेहमान वगैरह आ रहे हैं, मम्मा वीडियो बनाने में मुश्किल हो रही है। और दूसरा ना मम्मा के फ़ोन वाला फ़ोन ख़राब हो गया। भी जैसे गुजरेगी ईद के दिनों में तो सारी बंद होती हैं दुकानें, ईद जैसे ही अब ख़त्म होगी मैं फ़ोन को लेके जाऊंगा, ठीक करवाऊंगा। मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा भी। मम्मा जिस वजह से वीडियो भी नहीं डाल रही, मैंने कहा चलो मम्मा का जो फ़ोन सही होगा वीडियो बना लेते हैं, मम्मा का जो फ़ोन सही होगा अपलोड कर देंगे। मैं छत पर था, छत पर ना गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं ऊपर छत पर आया, मैंने देखा ये छत कितनी गंदी है, ये देख रहे हैं। छत पे मैंने आके देखा, छत ना बहुत ज़्यादा गंदी थी। मैंने कहा क्यों ना इसे यूज़फुल किया जाए, इसे यूज़ में लाया जाए छत। मैंने एक प्लान बनाया, मैंने कहा अगली ईद के लिए, नेक्स्ट ईद ईदुल्अज़हा के लिए हम क्यों ना अभी से बकरे ला के रख लें छोटे छोटे से। मुझे तो वाइट कलर और ब्लैक कलर बहुत प्यारा लगता है। मैंने कहा वाइट कलर के ना छोटे छोटे से बकरे ला के ना उनको यहाँ पालते हैं, ये सारा हिस्सा उनको देते हैं। मैं अपने मामू को बुला के इसको करवाएंगे बंद, शेड डलवाएंगे इस पर, इसको करवाएंगे बंद और यहाँ पे रखेंगे बकरे। मैं बाबा मामा से रिक्वेस्ट तो करूँगा, जाके उनके पाँव पकड़ते हैं, उनसे करते हैं रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमने तो हर शो करना है इस छत पे पाला, हर शो। ये देखिए जैसे ये बनाया है, ये देखें अब ये किस काम के लिए है, बिल्कुल ना ये देख लें। इस पर हमने रखे हुए थे मुर्गे, उस सेन पहले हम नीचे सेन में रखे हुए थे, सेन में अच्छे नहीं लगते थे, बदबू वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती थी, बहुत स्मेल हो जाती थी, जिस वजह से मम्मा ने कहा इसको ऊपर ले जाओ, हम इसे ऊपर ले आए। उसके लिए बनाया था हमने मुर्गे के लिए, ब्लैक मुर्गा था हमारा, बहुत अच्छा मुर्गा था, हमने उसे फिर बेच दिया, ये फिर फारिग पड़ा रहा। हम इसे तोड़ के सारा हिस्सा बकरों के लिए बनाएंगे हम। ये मेरा एक प्लान है, मेरी ख्वाहिश है हम बकरे भी पालें। उम्र तो पढ़ने की है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, मज़ा पढ़ने की। मम्मा पापा से बात करते हैं, मगर मम्मा पापा मान गए तो इंशाल्लाह 2 से 3 वीक्स के अंदर हम यहाँ पे बकरे ले आएंगे और आपको मैं साथ साथ दिखाता रहूँगा। ये है इधर ये हिस्सा जहाँ पे मैं करता हूँ जिम, मम्मा लोग मुझे कंडे नहीं देते, ये हिस्सा साफ वगैरह करता था, ना काफ़ी देर हो गई मैं की नहीं जिम, मेरी तबीयत बहुत ख़राब होनी शुरू हो गई थी, और जो हो गया था फीवर गर्मी की वजह से, गर्मी के अंदर मैं कर रहा था जिम। हम मैंने डंबल वगैरह रखे हुए हैं आपको, चलिए मैं दिखाता हूँ। और ये ऐसे ही बड़े हैं हमारे कज़न वगैरह हैं, ये देखो और स्टोर के इतनी वो गर्मी है ना, ये देख ले ऐसे ही बड़े हैं हमारे कज़न ने ऐसे ही निकाल के ऐसे ही रख दिए। मैं उठाता था इनको, मैं वो काफ़ी होगा बीमार हुआ, मैंने कहा तो मेरे दिल जब मेरा दिल करेगा ना, जब अपनी पढ़ाई के भी फोकस करो आप, जब आप 18 से 19 साल के हो जाओ ना तब अपना करना जिम। मम्मा ने माने नहीं मम्मा की बात, मम्मा ने भी कहा चलो कर लो, उसे भी कहती रही मम्मा ने कहा अगर तुम मेरे कहने पे करोगे ना उस वक्त मैं आपको फिर उस टाइम जो उसकी खुराक होती है जिनकी वो मैं सारी आपको बताऊंगी, इस तरह मतलब मैं सारी बना के दूंगी। बाहर से आपको पता काम ऐसे होता है, फिर चलो मम्मा की बात नहीं मानी, तबीयत वगैरह बहुत ख़राब हो गई, कमज़ोर हो गया, जिम भी मैंने छोड़ दी। अब मेरा दिल करता है मैं रात को ना करूँ, पंखा वगैरह लगा के ना मैं जिम करूँ, और कुछ नहीं। ये देख ले अब हम चलते हैं नीचे, मम्मा के पाँव पकड़ते हैं, मम्मा बाबा के पाँव पकड़ते हैं, प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है इसे मान ले, और मान के तो इंशाल्लाह हम ले आएंगे, हम स्टोर को करते हैं बंद। ये मैं ना नीचे आया, मुझे एकदम मेरा दिमाग में आया इब्राहिम कहाँ पे, मैं नीचे आके देखा साइकिल नहीं है, मैं बाहर निकला इब्राहिम को ढूंढने, और वहाँ पे मुझे खेलते हुए आके बच्चे नज़र, मैंने कहा इब्राहिम की तरह इब्राहिम की साइकिल लेके मैं बाहर भी उनसे देखता हूँ पूछता हूँ, उसे लगी हुई है उसे चोट, एड है नहीं ये क्या कहते हैं ऐसे उठे हुए, उसे लगी हुई है चोट, कल ना वो गिर गया था साइकिल से, उसे अभी तक चैन नहीं आ रहा यात्रा से। मुझे पता है आप लोग मानोगे तो नहीं, अच्छा। मैं फिर भी कोशिश कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने कहा ऊपर जो छत का एक हिस्सा खाली पड़ा है, हाँ जी। इसमें अगली ईद के लिए ईदुल अज़हा के लिए हम छोटे छोटे बकरे ले आते हैं, प्यारे प्यारे से व्हाइट कलर के। अच्छा।
अच्छा बकरे में आपको ले दूंगी, लेकिन लेकिन जो अब छुट्टियों के बाद होना है ना आपका रिजल्ट, वो देखिए आपने पहले देखे थे, वो तो फिर टाइम लेट हो जाएगा। अगला मंथ क्या है? अगस्त। अगस्त का रिजल्ट मुझे दे दे, मैं आपको बकरे खुद ला के दूंगी, मैं खुद लाऊंगी, मुझे भी शौक है, बस इतना सा वादा मेरे से कर लो आप। आप क्या कहते हैं? आपने भी हिस्सा डालना है। मैं कहता हूँ आपका रिजल्ट अच्छा है, ये पढ़ाई का दिन है। आप भी मम्मा के साथ मिल गए हैं। हाँ जी, क्योंकि ये आपका पढ़ाई का, इसमें आप पास पकड़ नहीं है, आपकी मेरी नाइन है, इसमें मेहनत करूँ, अच्छे नंबर आए तो फिर बकरे भी पाले, ये कौन सी बात है? हमने हर शौक पाला, हमने ये भी पाला। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आप मुझे समर वेकेशन कम्प्लीट करके और जो आपको मिला है वो आप मुझे दें ना, फर्स्ट टर्म मतलब हम अच्छा फर्स्ट टर्म का रिजल्ट दें, मैं आपको बकरे ला दूँ। इब्राहिम इधर आ, ये क्या लेके आ रहे हैं? इधर आ, ये क्या लेके आया? इधर आ, बात सुन, इधर आ जल्दी। चावल कम थे इसलिए चावल मंगवाए हैं। अब मम्मा पापा ने कह दिया रिजल्ट अच्छा आएगा तो बकरे आएंगे। इधर आ, मैंने मम्मा पापा से बात की है। तू क्या कहता है? क्या मैं रिजल्ट दे दूंगा? ये नहीं दे पाएगा रिजल्ट, मैं दे दूंगा, इसकी मेहनत देखेंगे हम। ये दोनों भाई मुझे अब समर वेकेशन का जो काम है वो कम्प्लीट करके दें और फर्स्ट टर्म का रिजल्ट अच्छा दें, इनके वो मैं खुद बकरे ले कर दूँगी, इन्होंने जो पालने हैं। क्या सही है? फिर बकरे नहीं लेने आप? मैंने कहा हर शौक पाला, ये शौक भी पाला। सही है, इसमें मामू फियाज ने हमारे काम आएंगे। सही है, मामू फियाज ने क्या काम करना है? इब्राहिम जरा थोड़े से सीधे होके बैठे, वो शेड वगैरह डालेगा, सही वो भी हो जाएगा, वो भी मैं करवाऊंगी। हाँ जी, करेने मंगवा के हम नीचे उतरवाएंगे। बकरे हैं कि भेड़े हैं? यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड। मम्मा पापा से बात ये हुई है कि मम्मा कहती हैं मुझे हमारे आ गए हैं प्री नाइन के अगले अगस्त में पेपर और समर वोकेशन का हमें काम मिला हुआ है। मम्मा कह रहे हैं समर वोकेशन में सारा काम करो, मुझे रिजल्ट अच्छा दो, मैं आप लोगों को खुद बकरे लेके दूंगी। अब मेरे मम्मा पापा से ये बात हो चुकी है, अब मैं मेहनत करूँगा, उससे ही मेहनत कहते हैं। इंशाल्लाह पोजीशन लाऊँगा और बकरे मैं लेके आऊँगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। हमें याद रखिएगा अगली वीडियो में।